सो हाय गाइस, और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट कार्तिक और मेरे यूट्यूब चैनल केक वाईटी में आप सभी का स्वागत है। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो यूट्यूब वीडियोस के लिए एक कीवर्ड रिसर्च कर पाओगे। तो इस वीडियो पे मैं आपको कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप अच्छा सा और इजीली तरह से आप जो एक कीवर्ड के रिसर्च कर सकते हो, उसके जो सर्च वॉल्यूम कंपटीशन वगैरह कितना कुछ है, तो सारे कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो कीवर्ड रिसर्च करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो बेनिफिट होता है वो है आपका वीडियोज़ का जो ग्रोथ भी ज़्यादा आएगा और उसमें चैनल का भी ग्रोथ आ जाएगा। और सेकेंड, जो आपका कीवर्ड रिसर्च करने से आपका जो भी टॉपिक आएगा उसमें अगर आप लगातार एक टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करते हो तो जो भी सब्सक्राइबर आएगा उनको समझ में आएगा, हाँ भाई ये बंदा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालता है। तो कीवर्ड रिसर्च करने से आप और एक जो बेनिफिट आता है वो है आपको ज़्यादातर जो आलतू फालतू का कंटेंट वो आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जब जाओ आपका जो भी टॉपिक का नीच है उस कीवर्ड पे रिसर्च करो, देन जाके कंटेंट डालो, तो उसमें आपका जो टाइम भी बचता है और आपका यहाँ पर जो कीवर्ड है उसमें काम करने से आपका जो वीडियो का रैंक भी ज़्यादा आएगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको जो भी कीवर्ड्स टूल्स देने वाला हूँ वो यूट्यूब सर्टिफाइड है, मतलब यूट्यूब के जो सर्टिफाइड से वेरीफाई है, तो उसमें आपका ट्रस्ट कर सकते हो। उसमें आपका जो वीडियो का रिजल्ट है, मतलब जो कीवर्ड का रिजल्ट है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इस वीडियो पे सारे कुछ प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो पे बताऊंगा पीसी पे, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको मेरे पीसी पे लेके चलता हूँ, देन आपको दिखा दूँ कैसे आपको जो कीवर्ड रिसर्च वगैरह करना है। तो ओके गाइस, तो अभी देख सकते हो मैं मेरे सिस्टम पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको जो करना है अपनी जो यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, तो यहाँ पर मैं जो कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करने वाले वो है वीड आईक्यू। तो उसका नाम आपने जरूर से सुना होगा, कि अगर आप फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे तो इस वीडियो का इंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो एक वीडियो की ऐप से अच्छा खासा सा कीवर्ड रिसर्च करके अपना यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो बेनिफिट मिलता है वीड आईक्यू यूज़ करने, तो मैं आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा वीड आईक्यू का फुल प्रोसेस, आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो और आप एक अच्छा सा कीवर्ड चूज कर भी उसमें आप कंटेंट करके जो अच्छा सा व्यूज़ भी ले सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ वीड आईक्यू ऐप को ओपन कर लिया डैशबोर्ड को। तो अभी देख सकते हो मैंने वीड आईक्यू के ऐप पर आ चुका हूँ। तो इसमें अगर आपका साइनअप वगैरह करने नहीं आता तो सिंपल से आप वो जो स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, तो जाके आप देख सकते हो उसमें आपका जो वीड आईक्यू के ऐप जो अंदर आप कैसे साइनअप कर सकते हो। तो इसके लिए आपका एप्लीकेशन भी आता है मोबाइल के लिए, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वीड आईक्यू पे आ जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर ऐड ए चैनल देने को मिल रहा है, तो इसमें आप जाके अपना जो चैनल है वो आपको ऐड करना है अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। तो मेरा ऑलरेडी ईमेल के थ्रू ऐड हो चुका है, तो अभी देख सकते हो जो भी आपका सिस्टम पे ईमेल साइन इन रहेगा उसमें जाके आप जो ऐड कर सकते हो। चलिए चैनल को ऐड कर लिया, तो मेरा ऑलरेडी चैनल ऐड है क्योंकि मैं एक्सटेंस को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे हेल्पफुल लगा तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके इधर पे आ जाने का आपको जो मेन बेनिफिट मिलता है वो आप कंप्यूटर को आप यहाँ पर जो भी जो एनालाइज कर सकते हो। तो कंप्यूटर मतलब जो भी आपके कंटेंट के रिलेटेड वीडियो क्रिएट करता है, तो उसमें आपका जो भी कंटेंट है वो आप यहाँ पर जाके अपना जो कंप्यूटर है उसको ऐड करके आप अच्छा सा एनालाइज कर सकते हो, मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, वो कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा है, तो सारे कुछ आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा। तो आप बात आते हैं आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर पाओगे। तो सिंपल से आप जो कीवर्ड्स का ऑप्शन देने को मिल रहा है, सिंपली कीवर्ड्स पे जाना है। तो कीवर्ड्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो कीवर्ड्स पे देखने को मिला था सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कीवर्ड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको और एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर जो आपका मिलता है वो और एक बेनिफिट, तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका कीवर्ड अपॉर्चुनिटी आपको एक सेक्शन देने को मिलेगा। मतलब अगर आपका चैनल कुछ रिलेटेड कीवर्ड से वीडियो क्रिएट करते हो, मान लो मैंने यहाँ पर 2 साल से पहले वीडियो क्रिएट करा, तो तब जाके मैंने एक बेस पे एक वीडियो अपलोड करता, तो उस बेस पे कौन सा कीवर्ड पे काम करना चाहिए जिसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर वीड आईक्यू का जो एक सेक्शन मिलता है अपॉर्चुनिटी ऑप्शन, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कीवर्ड देने को मिल रहा है उसमें कुछ भी लो है, कुछ मीडियम है, कुछ वेरी लो, इसके अंदर आपको देने को मिलेगा। तो यहाँ पर चार जो कीवर्ड देने को मिलेगा, जब आप पेड वर्सन यूज करोगे तब जाकर आपका बहुत सारे अपॉर्चुनिटी का कीवर्ड सेक्शन देने को मिलेगा। तो चलिए वो अलग बात है। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करने से तरीका मैंने आपको बता देता हूँ। तो सिंपल से आपको यहाँ पर देख सकते हो कीवर्ड, तो सिंपल से मैं यहाँ पर एक कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेरा वीडियो का अभी टाइटल है यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, तो इसी कीवर्ड को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। उसका सर्च वॉल्यूम और कंप्यूटर क्या क्या है और कंपटीशन कितना रहेगा, अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी क्रिएट करूँ तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, तो सारे कुछ यहाँ पर आपको जो वीडियो की पे दिखाने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वीडियो की आपको उसके अंदर मैं जो कीवर्ड है वो पेस्ट कर दे, देख सकते हो यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, तो बस इतना ही करना आपको, देन आपको एंटर डालना है।
तो इंटर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका क्यूआर है वो इसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन दोनों देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया गया, यहाँ पर आपको सर्च वॉल्यूम कितना दिख रहा है, हाई, मतलब कि इसका जो क्यूआर पे उसका सर्च बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये भी वीडियो क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कंपटीशन भी आपको यहाँ पर 23.92 का देखने को मिल रहा है। तो आपको रिकमेंड करता हूँ आपका जो कीवर्ड है, अगर इसमें जो ग्रीन वाला जो डीप है उसमें अगर आप कीवर्ड कोई भी कीवर्ड पे काम करते हैं तो उसका रैंक होने का चांस आपको बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो चलिए, इसमें भी आपका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है तो इसमें भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो यहाँ पर देख सकते तो उसके रिलेटेड कीवर्ड भी आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा, मैचिंग टर्म्स, मतलब इस टाइटल भी यूज़ कर सकते हो देन, अगर आप चाहते हो इस टाइटल को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ आपका जो भी जो ओवरऑल स्कोर ज़्यादा जिनका रहेगा वही कीवर्ड यूज़ करो, मतलब यहाँ पर 66, 64, 65, 64, 63 देने को मिल रहा है। तो मैं आपका रिकमेंड करता हूँ आपका जो ज़्यादा ओवरऑल स्कोर जिसमें आएगा वो भी आपका ग्रीन कलर पे, तो वो कीवर्ड आप यूज़ करें, उसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा, तो जो कीवर्ड मैंने चूज़ किया तो उसका मैं आपका रिलेटेड कीवर्ड भी देख लेता हूँ क्या क्या रिलेटेड कीवर्ड है जो अभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जैसे ही रिलेटेड कीवर्ड पे क्लिक किया तो अभी देख सकते हो यहाँ पर यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च टूल, इसका जो रिलेटेड स्कोर है वो लगभग 101.7, इसका सर्च वॉल्यूम देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब सोच सकते हो इसमें आप अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो उसका आपका बेनिफिट इंस्टेंट मिलेगा, बस आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर से आप कोई भी कीवर्ड को रिकमेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड, अगर आप न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करो तो लो और वेरी लो का जो आ रहा है उसमें जो भी कीवर्ड आएगा उसमें कंपटीशन करो। अगर आपका मीडियम और हाई आ रहा है तो मत जाओ, क्योंकि उसमें आपका जो कंप्यूटर है वो इतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पर ओवरऑल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मीडियम आ गया है। तो मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो ज़्यादा कंपटीशन है हो रहा है उसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है वो दिखा रहा है। तो चलिए, मैं आपको फिर से क्लिक करता हूँ तो आप ही देख सकते हो। और एक कीवर्ड मुझे सजेस्ट किया, ट्यूबबडी वर्सेस वीडआईक्यू, इसका भी वीडियो आएगा। चलो, एक कीवर्ड मिल गया वीडियो करते टाइम। चलो, इसके भी आपको देख सकते हो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, इसका जो कंपटीशन है वेरी लो और इसका ओवरऑल स्कोर 79%। सोच सकते हो कितना जो सर्च वॉल्यूम का ओवरऑल स्कोर है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर देख सकते हो 3 वर्ड्स, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, तो इसमें रैंक करना भी ईजी होता है। तो चलिए, इसमें मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका बता दिया। तो आप आ जाती आपका वीडियो पे कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए एक डेडिकेट सा वीडियो आएगा, तो ज़रूर से कमेंट पे कमेंट बताना अगर आपको वो वीडियो चाहिए जल्द से जल्द, तो कमेंट कर दो भाई। तो चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा और एक नेक्स्ट वीडियो पे कैसे आप जो वो कीवर्ड को आप अपने कॉन्टेंट क्रिएट करने के बाद वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे जाके कैसे कीवर्ड एसईओ करना अपने यूट्यूब वीडियोस को, तो वो वीडियो मैं आपका आगे डाल दूंगा। तो फटक से कमेंट कर देना, और वीडियो पे कोई भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, यार बहुत मेहनत से वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पे जो भी इन्फॉर्मेशन बताया बहुत ही अच्छा लगा, तो भाई वीडियो अच्छा थोड़ा सा लाइक करना और चैनल पे अभी नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। भाई मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो का कंटेंट लाता हूँ बहुत ही रिसर्च वगैरह करके, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए भाई, तो थोड़ा सा लाइक कर देना। तो आप भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो व्हाट्सअप आईडी और इंस्टाग्राम का आईडी भी देने को मिले, तो जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपका जितना हो सके हेल्प कर दूंगा। तो चलिए, मिलते हैं और एक वीडियो का और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।